कितना हुआ इसका? थैंक यू। तो हेलो गाइज, कैसे हो? मैं हूँ राजन और आप लोग देख रहे हैं राजन राय ब्लॉग्स। तो गाइज, आज जो है जो विश्वकर्मा पूजा है और हम अभी जो है अपने बाइक को धोएंगे गाइज, और बाइक धोने के बाद हम जाएंगे अपने घर, और हम अपने घर पे जाकर वहाँ अपने गाड़ी का पूजा करेंगे। और यहाँ पे देख सकते हैं हमारा गाड़ी धुल के जो है वो रेडी हो गया है, और हमारा अंशु भाई जो है वो अभी धो रहा है अपने गाड़ी को। तो गाइज, अब हम जाते हैं नहाने स्नान करने, और स्नान करने के बाद सीधे हम निकल जाएंगे अपने घर की ओर। मस्त नहा धो के रेडी हो गए हैं हम, अब हम जाएंगे घर। तो चलते हैं गाइज। तो हम यहाँ से निकल चुके हैं गाइज। आज भी धूप काफी तेज है गाइज। और हम आ चुके हैं गाइज अभी मुजलिया थाना। तो सबसे पहले हम जाएंगे पेट्रोल पंप, फ्यूल। हमारे गाड़ी में फ्यूल थोड़ा कम है, और गाइज रोड देख सकते हैं पूरा आज खाली है। और हम आ गए गाइस पेट्रोल पंप पे, और यहाँ पे पेट्रोल रखेंगे गाड़ी में। चार सौ का पेट्रोल जो है इसमें ऐड होने जा रहा है। तो हमारा फ्यूल जो है गाइस, हमने फ्यूल रख लिया है गाड़ी में। अब हम जाएंगे पिरारी चौक, वहाँ पे एटीएम में थोड़ा सा पैसा निकालेंगे, और पैसा निकालने के बाद गाइस हम लेंगे बाइक के लिए चुंदरी वगैरह। ओ भाई, क्या ही मतलब। तो यहाँ का एटीएम जो है गाइस, यहाँ का एटीएम बंद है, तो हम लोगों को जाना होगा आगे की साइड। तो यहाँ पे जो हम पैसा नहीं निकाल सकते, और यहाँ का एटीएम जो है वो खुला है, तो हम यहाँ से पैसा निकाल सकते हैं गाइस। तो हमारा काम यहाँ से होता है ख़त्म, और हम जाएंगे आगे की साइड। तो हमको लेना है इस साइड मस्त चुंदरी, और उसके बाद हम निकल पड़ेंगे अपने घर की ओर। कितना हुआ इसका? थैंक यू। और हमने गाइस ले लिया यहाँ पे हमारा चंद्री जो था, जो हमारा मामा जी जो है आगे। तो गाइस का थोड़ा सा हमारा हमको जो है लेट हो गया है। तो हमको जाना पड़ेगा गाइस जल्दी, और हमारा अंकल जी ने जो है वो उसने भी बोला था हमारे लिए चार चुंदरी लेके आने के लिए, और हम अपने लिए जो है गाइस दो लिया। ओ भैया, क्या है भाई, ऐसे बीच में आओगे तो जय गणपति बप्पा। रोड जो है जो बीच बीच में हम लोगों को ऑफ रोडिंग मिलेगा गाइज। तो आप लोग गाइज देख ही रहे होंगे भाई साहब कैसा ही ऑफ रोडिंग है इधर।
और मस्त चारों ओर मस्त धुलाई चल रही है अपनी गाड़ियों का। तो हमने जो अपनी गाड़ी खुद से धोया गाइस, आज पूजा का दिन है तो अपना गाड़ी खुद से धोना मांगता तो भाई अपनी बसंती है तो अपने को खुद को खुद धोना पड़ेगा। तो जैसा कि गाइस आप लोग देख सकते हैं, हम लोग जो है आ चुके हैं यहाँ पे कुर्था गांव में जो गाइस हम लोग एंटर कर चुका हूँ और यहाँ पे जो देख सकते हैं मस्त मेला लगा है। तो इस साइड देख सकते हैं मेला जो है वो अपने लगा हुआ है इधर, और ये रहा गाइस। और आगे की साइड जो है जो कुर्था का मार्केट लगा है आज, और देख सकते हैं थोड़ा काफी भीड़ है वहां पे। और जैसा कि ऑफ रोडिंग तो है ही, अब गांव घर है तो गांव है तो ऑफ रोडिंग तो मिलेगा ही, और भीड़ जो है गाइस वैसा ही भीड़ है इधर। और आगे की साइड ट्रैक्टर ने रोड ब्लॉक कर रखा है तो हमको साइड से निकल जाना होगा। ऑफ रोडिंग तो वैसा ही है गाइस। और अब हम लोग आ गए हैं महदैया गांव में, तो देख सकते हैं आगे का ये जो पूरा जो है वो महदैया गांव है। तो आज गाय भैंसियों को भी निहलाया जा रहा है गाइस, देख सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे तो अलग ही क्रेज है गाइस गाड़ियों का। तो महदैया गांव के हम लोग जो है जो एंड पॉइंट में आ चुका हूँ, और यहाँ पे भी जो है गाइस छोटा आगे का जो गाइस व्यू जो है क्या मस्त लग रहा है। और आगे जो है जो ब्रिज है गाइस, ये गेरुका नदी जो है गाइस ना, यहाँ पे जो मेला लगता है उसी का ये है ब्रिज। तो यहाँ पर भी जो है गाइस जो पूजा का आरंभ किया गया है। और चारों ओर देख सकते हैं गाइस आज गाड़ियों का जो है पावरफुल इंजन विश्वकर्मा भगवान जी का जो है मस्त यहाँ पे धुलाई चल रहा है। चारों साइड मस्त धुल के वो है जो गाड़ी को रेडी कर दिया गया है। और यहाँ पर भी जो है मेला लगा है बट अभी तक मूर्ति आया नहीं है इधर। हम लोग अभी जितना हमने ट्रैवल किया वह हम पहले साइकिल से आया करते थे, और अभी जो है गाइस देख सकते हैं हम बाइक पे हैं अभी। भाई साहब पहले साइकिल का भी एक अलग ही लेवल था। हम लोग साइकिल से भी मस्त अपने अंदाज में मस्त आते जाते रहते थे। तो हम लोग आ गए अभी बगरा गांव में, और बगरा गांव में आते हुए भी बगरा गांव एंडिंग में आ गया, क्योंकि गांव जो है जो गाइस उस साइड है, इस साइड में गांव है। और हम लोग जो है जो अभी बगरा गांव के रोड में हैं, और आगे तो भाई अलग ही लेवल का जो है वो ऑफ रोडिंग पड़ जाता है इधर। तो यहां से भी हम लोगों को गांव घर पहुंचने में 20 से 25 मिनट लग जाएंगे गाइस। और आज चारों ओर जो है गाइस खुशहाली का माहौल है। तो हम लोग यहाँ पे आ गए हैं गाइस परड़िया गांव में, और परड़िया गांव के बाद आएगा लहरपट्टी, जो हमारा बचपन जो है वहीं बीता हुआ है। आधा बचपन जो है गाइस हम वहीं पढ़ते थे, पूरा दिन भर जो है गाइस लहरपट्टी में रहते थे। और जब शाम के 5 बजता था तो हमारा वहाँ से जो है छुट्टी होता था, और छुट्टी होने के बाद अपने घर जाता था गाइस। जब लोहरपट्टी गांव में आते ही गाइस जो हमारा बचपन याद आ जाता है।
हम लोग अभी एंटर कर चुका हूँ लोहरपट्टी गांव में, और यहाँ से देख सकते हैं मतलब क्या ही अपना अपना वाला फील आ रहा है गाइस। और चारों ओर जो है मस्त गाड़ियों का जो है धुलाई चल रहा है, और हम आ चुके हैं लोहरपट्टी चौक पे इधर, और यहाँ पे हमारा भैया जी का दुकान में जो है काफ़ी सारा भीड़ है। तो ये लो और ये रहा गाइस हमारा स्कूल, इसी यहीं पे हम पहले पढ़ा करते थे। और तो यहाँ पे मस्त बच्चे लोग जो है जो कच्चे खेल रहा है पानी में भाई साहब। और आप लोग आगे देख सकते हैं क्या ही मस्त हरियाली छाया है गाइस, फुल टू फुल हरियाली हरियाली है चारों ओर, कितना मस्त लग रहा है गाइस, देख सकते हैं आगे आप लोग। तो फाइनली गाइस हम लोग आ गए अपने घर, और अब यहाँ पे पूजा होगा हमारा गाड़ी का, हमारा भाई जो है जो हमारा कैमरा पकड़ेगा गाइस, अब हम पूजा करेंगे। तो फाइनली गाइस हमारा गाड़ी का जो है जो पूजा कंप्लीट हो गया है यहाँ पे, अब हम करते हैं इस ब्लॉग को एंड, अब मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।